कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और मेरे यूट्यूब परिवार, क्या हाल चाल? हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और 32 बार को दिल से अपने। तो गाइस सुबह हो गई है, अमन जाके तमन्ना को एग्ज़ाम के लिए छोड़कर आया स्कूल में, और आने के बाद अभी हम लोग माँ बेटा पियेंगे अपना फैट कटर ड्रिंक और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट, और उससे पहले 2-3 मिनट का थोड़ा सा वर्कआउट, मतलब 10 मिनट का तो वर्कआउट या वॉक ये भी घर पे करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आज क्या लंच होगा, क्या ये होगा वो करेंगे, और उसके बाद मैंने आज एक चीज़ डिसाइड किया है, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं वीडियो के बीच में बताऊँगी। बहुत ही अच्छा एक आइडिया आया है दिमाग में फास्ट वेट लूज़ करने का। अगर आपको फास्ट वेट लूज़ करना है, वेट लॉस जल्द से जल्द करना है, तो उसके लिए एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही, तो मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही जादुई नुस्खा बताने वाली हूँ, ठीक है। मतलब आप सोचोगे यार इतना आसान तरीका था, लेकिन हमें पता नहीं था, अगर पता होता तो हम पहले कर लेते, राइट। जबकि कुछ लोगों को पता है ये चीज़, मैंने स्टार्ट किया था बट अभी नहीं बताऊंगी। ये एक बोलते ना, एक क्लू आपको देती हूँ कि एक छोटा सा हिंट देती हूँ। मैं अभी 32 बार के साथ साथ वो चीज़ भी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, राइट। तो चलिए, क्या अपना फैट कटर कौन सा ले रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड है, तो गैस कीजिए कौन सा फैट कटर ड्रिंक मैं ले रही हूँगी। कीजिए कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, पता चल गया होगा कि थायराइड के लिए कौन सा फैट कटर ड्रिंक बेस्ट है। मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, तो चलिए फटाफट दिखाते हैं, है ना। ये है हमारा फैट कटर ड्रिंक। आई नो आप लोगों ने मेरा जो मैंने हिंट दिया था उससे आपने गैस कर लिया होगा, ये धनिया का पानी है, ठीक है। तो अब सोच रही हूँ कि धनिया का पानी डेली लूँ मैं और अमन, अगर अमन को थायराइड ना भी है ना, उसके लिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, और अगर आने वाला रहेगा थायराइड तो उसको भी नहीं आने देगा, वो सही से वर्क करेगा, उसका थायराइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अच्छे से वर्क करेगा, राइट। तो ये देखिए अच्छे से उबल चुका है, इसको मैंने बंद कर दिया है, 10 मतलब 2-3 मिनट के लिए ना ढक के रखेंगे, ज़्यादा मैं इसको ठंडा नहीं करूँगी, सिप सिप करके ना फूंक मारते हुए पीऊँगी, थोड़ा गर्म होना चाहिए क्योंकि अब ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। जबकि मुंबई में ज़्यादा ठंडी नहीं होती, लेकिन फिर भी ठंडी का मौसम आ रहा है, सीजन बदल रहा है, तो थोड़ा गर्म गर्म ही ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको ढक कर रख देते हैं। अच्छा चलो, ये हो गया। ये देखिए मेरे मस्ती खोर बिल्लियाँ, उसको नहाने जाना है। ये देखिए ये होता है, ये होता है, ये सारा फैलाया इन्होंने, हाँ ये इनका कसूर है। और ये बदमाश, सारी बदमाशियाँ दिख गई, सारी मस्ती दिख गई आपकी, सारी बदमाशी। और ये जो डस्टबिन है ना, जो किचन डस्टबिन है, क्या क्या इतना इनोशन क्या बन रहे हो, इतना इनोशन क्यों बन रहे हो सबके पास, क्या बता रहे हो कि मम्मी झूठ बोल रही है, सारा नोटी आप करते हो, बदमाशी आप करती हो, और भोला बच्चा कितना देखो तो शरीफ को, आई अल्लाह, अरे रे रे मेरा शरीफ कितना भोला, ओहो गाइस बताना आप लोगों को शक्ल से शरीफ दिख रहा है, ये नॉटी बच्चा शरीफ दिख रहा है, ये बदमाश मेरा बच्चा। निधि ने भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव को भी रुपयों और गाड़ी देने का। तो गाइस मैं जो आप लोगों से बोलने वाली थी वो आज बोल रही हूँ। जैसे कि हम लोग अपने वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग 16 घंटे का करते हैं ना, तो अब से हम लोग का जो नाइट रहेगा दोपहर के लंच के बाद 3 से 3 बजे के बाद से हमारा जो नेक्स्ट डे 12 बजे तक रहेगा ना, वो हमारा फास्टिंग डे रहेगा। तो इतना घंटा मतलब लगभग 18-19 घंटा हमारा जो है फास्टिंग का रहेगा, ठीक है। तो ताकि हमारा जो दिन भर का खाना पीना है वो अच्छे से हजम हो जाए, और हमें मतलब डाइजेस्ट करने में और हमारा गट क्लीन होने में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 32 बार चबाकर अब मैं खा ली हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही बोलना था कि अब जो मैं मेरी डाइटिंग शेड्यूल है उसमें एक सिस्टम मैंने ऐड किया है, जो भी खाना है दिन भर में खाऊंगी, मतलब लंच के बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट तक मेरा जो रहेगा फास्टिंग डे रहेगा, फास्टिंग विंडो रहेगा, उसमें सिर्फ मैं पानी लूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लूँगी। तो यही बोलना था। तो अगर आपको भी ये सब स्टार्ट करना है तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मतलब ये आज से स्टार्ट करूँगी, आज ट्राई करूँगी थोड़ा सा कम, 4-5 बजे तक कुछ खाने का, उसके बाद कुछ नहीं खाऊँगी नेक्स्ट डे। लेकिन कल से जो हमारा रहेगा लंच के बाद से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का तक का फास्टिंग डे रहेगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि फास्टिंग जितना ज़्यादा बॉडी को देंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा बॉडी रिपेयर कर सकता है, उतना ज़्यादा हम अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं अपना गट की। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फाइटिंग चल रही है।
तो गाइस चलिए फटाफट से ना हम लोग बना लेते हैं बच्चों के लिए ऑमलेट्स और ऑमलेट ब्रेड, क्योंकि अमन को जो ऑमलेट ब्रेड उसका फेवरेट है। मैं चाह रही थी ओट्स चीला बना लूँ बट उसको ऑमलेट ब्रेड, तो चलिए उसके लिए बना लूँगी ऑमलेट ब्रेड और मैं अपने लिए बना लूँगी ओट्स का चीला, राइट। या मैं भी अपने लिए ऑमलेट ब्रेड ही ले लूँगी। मैंने अंडा फेंट लिया है और मैं इसको इस तरीके से यहाँ लगूँगी। नाइस ब्राउन ब्रेड, राइट। और ये वाला ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं बना रही हूँ लंच। आपके जीजू के लिए जो भी बनाना था रेसिपीज वो मैंने बना लिया था। अब ये बन रहा है डाइट खिचड़ी मेरे लिए, जो मैं खाऊंगी मेरा पूरा पेट भरा हुआ भी रहेगा और मुझे ज़्यादा देर तक मैं हैवी भी रह सकती हूँ, क्योंकि अभी जो ये लंच मैं करूँगी इसके बाद, लंच करने के बाद मैं कल दोपहर को 12 बजे ही कुछ खाऊंगी। अभी इसको खाने के बाद ना मेरा जो है फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे हैवी मिल चाहिए। हैवी मिल के लिए चावल अच्छा रहता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज चावल ना लूँ, मैं कुछ वेज के साथ मिक्स कुछ अच्छा बनाऊँ, तो सोचा चलो दलिया खिचड़ी बनाते हैं। तो दलिया खिचड़ी बना रही हूँ और बहुत ही बोलते ना वेज फुल रहेगा इसमें, बहुत अच्छे से सब्जियां डालूंगी इसमें मैं, और टेस्टी भी बनता है दलिया खिचड़ी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाते होंगे इसको, बट मैं ये अपने तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने दो जो है टीस्पून मैंने घी ऐड किया, आप चाहो तो इसमें ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हो। उसमें मैंने जीरा तड़का डाला है और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। पूरी रेसिपी आपको मतलब मैं बोलकर नहीं मतलब शेयर कर सकती, मैं एक एक चीज़ ऐड करती रहूँगी, आप लोग देख सकते हो। बट हाँ, इस तरीके से जब खिचड़ी बनती है ना, मैंने 2-3 बार बनाया है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही ये देर तक मेरे पेट को भी भरा हुआ रखता है, ठीक है। तो अदरक भी मैंने काट कर डाल दिया, आप चाहो तो कूट कर डाल सकते हो या फिर इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हो। मुझे थोड़ा सा चॉप्ड अदरक अच्छा लगता है, क्योंकि जब मुँह में आता है वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो अब डाल दिया मैंने मिर्ची, थोड़ा सा इसमें डालूंगी बाद में कड़ी पत्ता, ताकि कड़ी पत्ते की जो फ्लेवर है ना इस खिचड़ी में तो ज़बरदस्त लगता है, एक नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से सौते कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें ना डालेंगे हम बहुत सारा भर के ऑनियन, क्योंकि ऑनियन जो है ना इस खिचड़ी की जान है, जितना आप डाल सको। अगर आप ऑनियन नहीं खाने वाले लोग हैं ना तो ऑनियन स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसमें टमाटर और सब वेजेस डाल सकते हैं, बट मैं ऑनियन खाती हूँ तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से इसमें ऑनियन डाल देते हैं, ऑनियन के बाद धीरे धीरे सौते करके एक एक करके हम मसाले इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।
नहाकर आ गई हूँ, अभी जा रही हूँ लंच करने के लिए, तो चलिए लंच कर लेते हैं मज़ेदार टेस्टी सा। लो जी गाइस, हमारा मज़ेदार टेस्टी तीखा चटपटा वेज से भरा हुआ खिचड़ी तैयार है। देखने में इतना यमी लग रहा है और इसके जो खुशबू आ रही है ना, अरोमा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, सच में गाइस इतना टेस्टी है। मैंने ना चम्मच भी नहीं लिया आज, हाथ से ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया इस खिचड़ी को, और लेकिन इससे चम्मच से आप खाओ तो बेस्ट रहेगा, बट मुझसे सबर नहीं हुआ। और हम लोग ऐसे मतलब इंडियन कल्चर से हैं जहाँ हाथों से खाना खाना पसंद ज़्यादा होता है, तो मैंने ना चम्मच भी नहीं लिया आज, सबर ही नहीं हो रहा था। तो मैंने दो चिकन जो सौते किया था वो भी ले लिया है, ताकि प्रोटीन की जो कमी हो वो भी पूरी हो जाए, और साथ में सलाद भी ले लिया था। तो और नींबू का चटकारा, आ हा सो यमी, जल्दी से इसको खा लेती हूँ, इसके बाद कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो गाइस, जैसे मैंने डिसाइड किया था कि रात को फास्टिंग में रहूंगी, तो मैंने शाम को कुछ भी नहीं खाया, और आज योगा क्लास भी नहीं था, तो बस आज का डे इसी पूरा हुआ। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग बताना, कौन कौन ट्राई कर रहे हो भी मुझे बताना। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और आज अमन मुझसे लाड भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, चलिए अब कल आपसे मिलते हैं।